दोस्तों आईपीएल 2022 के ऊपर आज के दिन कुल 10 बड़ी अपडेट निकल करके सामने आ रही है, जहां पर पहली अपडेट है मेगा ऑक्शन के फाइनल डेट को लेकर। इसके बाद आरसीबी के नए प्लेयर, चेन्नई सुपर किंग्स प्री ऑक्शन और भी कई सारी बड़ी अपडेट आईपीएल के ऊपर निकल कर सामने आ रही है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इन सभी खबरों के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन देंगे। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और वीडियो के नीचे से रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल वाले नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप आईपीएल से रिलेटेड कोई भी न्यूज सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर फॉलो करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वन बाय वन आईपीएल से रिलेटेड सभी न्यूज दे देते हैं। तो इस लिस्ट की पहली बड़ी अपडेट है पंजाब किंग्स की टीम की तरफ से, और ये टीम सबसे अधिक 13 बार अपने कप्तान को बदल चुकी है। तो इस साल के मेगा ऑक्शन में एक बार फिर से पंजाब की टीम नए कप्तान की तलाश में होगी, जहाँ पर ये टीम ऑक्शन में इयान मॉर्गन को टारगेट करेगी, क्योंकि मॉर्गन एज ए कैप्टन काफी बेहतरीन साबित हो सकते हैं। इसके बाद इस लिस्ट की दूसरी बड़ी अपडेट है ऑक्शन में आने वाले अनसोल्ड प्लेयर्स को लेकर। तो इसमें नाम आता है केदार जाधव, मुफ्फिकुर रहीम, कॉलिन मनरो, हनुमा विहारी और चेतेश्वर पुजारा का। तो ये सभी प्लेयर मोस्ट प्रोबेबली ऑक्शन में अनसोल्ड जा सकते हैं। इसके बाद इस लिस्ट की तीसरी बड़ी अपडेट है लखनऊ की टीम की तरफ से, और लखनऊ की टीम के लिए काफी बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो चुका है, जहां पर ये टीम अभी तक डिसाइड नहीं कर पाई है कि युजवेंद्र चहल और ईशान किशन में से किस प्लेयर को अपने स्क्वाड में शामिल किया जाए। इसके बाद इस लिस्ट की चौथी बड़ी अपडेट है लखनऊ के कैप्टन और वाइस कैप्टन को लेकर। तो आईपीएल 2022 में केएल राहुल लखनऊ के कप्तान होंगे, वहीं राशिद खान इस टीम के वाइस कैप्टन बनेंगे। इसके बाद इस लिस्ट की पांचवी बड़ी अपडेट है इमरान ताहिर की तरफ से, और इस साल के मेगा ऑक्शन में ये काफी ओल्ड प्लेयर होंगे, क्योंकि इनका एज 40+ हो चुका है। तो इस साल के ऑक्शन में इमरान ताहिर के ऊपर लगभग आईपीएल की सभी टीमें बोली लगाएगी, क्योंकि इनमें अभी भी काफी बेहतरीन क्रिकेट बचा हुआ है और लंका प्रीमियर लीग में काफी बेहतरीन बॉलिंग कर चुके हैं। इसके बाद इस लिस्ट की छठवीं बड़ी अपडेट है चेन्नई सुपर किंग्स के प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 को लेकर। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि आईपीएल 2022 में चेन्नई का प्लेइंग 11 किस प्रकार से हो सकता है। तो इस टीम के लिए ओपन कर सकते हैं ऋतुराज गायकवाड और शिखर धवन, उसके बाद तीसरे नंबर पर मोइन अली, चौथे नंबर पर सुरेश रैना, पांचवें नंबर पर एमएस धोनी, छठवें नंबर पर जेसन होल्डर, सातवें नंबर पर ड्वेन ब्रावो, आठवें नंबर पर रविंद्र जडेजा, नौवें नंबर पर भुवनेश्वर कुमार, दसवें नंबर पर रवि अश्विन और ग्यारहवें नंबर पर कैगिसोर अबाडा। तो मोस्ट प्रोबेबली चेन्नई का प्लेइंग 11 इस प्रकार से हो सकता है। तो आपके अकॉर्डिंग चेन्नई का प्लेइंग 11 कैसा होगा कमेंट में जरूर बताएं, और अगली प्लेइंग 11 किस टीम के ऊपर देखना चाहते हैं ये भी कमेंट में जरूर बताएं। इसके बाद इस लिस्ट की सातवीं बड़ी अपडेट है ट्रेंट बोल्ट की तरफ से, और इस साल के मेगा ऑक्शन में आरसीबी की टीम इस प्लेयर को टारगेट करेगी, क्योंकि ट्रेंट बोल्ट काफी बेहतरीन फास्ट बॉलर हैं और आरसीबी टीम को इजीली 7-8 करोड़ की रकम में मिल जाएंगे। तो यहां पर आरसीबी की टीम इस साल के मेगा ऑक्शन में इस प्लेयर को टारगेट करेगी। इसके बाद इस लिस्ट की आठवीं बड़ी अपडेट है मेगा ऑक्शन के डेट को लेकर। तो इनसाइड स्पोर्ट्स की तरफ से काफी बड़ी रिपोर्ट देखने को मिली है, जिसके अकॉर्डिंग इनसाइड स्पोर्ट्स ने बताया है कि अब जनवरी के महीने में मेगा ऑक्शन कंडक्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि बीसीसीआई ने अभी तक लेटर ऑफ इंटेंट अहमदाबाद की टीम को नहीं दिया है। तो मोस्ट प्रोबेबली फरवरी के फर्स्ट वीक में ऑक्शन को कंडक्ट किया जाएगा, क्योंकि अभी तक अहमदाबाद की टीम को बीसीसीआई ने मंजूरी नहीं दी है। इसके बाद इस लिस्ट की नौवीं बड़ी अपडेट है प्री ऑक्शन के डेट को लेकर। तो यहाँ पर अहमदाबाद के चलते प्री ऑक्शन के डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है, और अब मोस्ट प्रोबेबली 31 दिसंबर या फिर 31 दिसंबर के बाद प्री ऑक्शन देखने को मिलेगा, जहां पर आईपीएल की नई टीमें 3-3 प्लेयर्स को अपने स्क्वाड में शामिल करेगी। इसके बाद इस लिस्ट की आखिरी बड़ी अपडेट है जोपड़ा आर्चर की तरफ से, और इस साल के मेगा ऑक्शन में आर्चर काफी एक्सपेंसिव बिक सकते हैं, क्योंकि पूरे आईपीएल में ये काफी खतरनाक बॉलर माने जाते हैं। तो आईपीएल की सभी टीमें इस
किलर को अपने रडार पर रखेगी तो इसी वजह से ऑक्शन में आर्चर के ऊपर काफी लंबी चौड़ी बोली देखने को मिलेगी। तो आपके हिसाब से आर्चर कौन सी टीम में जाएंगे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में टेलीग्राम पर फॉलो करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।